कितना भी हम अपना हाथ पैर जोड़ते थे, रिक्वेस्ट करते थे भैया एक गाना गवा दीजिए, मतलब मेरा नंबर सुबह से रात से लेके सुबह हो जाता था, और फिर बाद में पता चला कि अचानक से लास्ट गाना गा के पूरा माइक वाइक निकलने लगा। आज का टाइम ये है कुछ हो जाए ऐसे वैसे, तो लोग अपने पास सुलाने लगे, मेरा जो पर्सनल रूम था वो भी छीन लिया गया। आज का टाइम ऐसा है कि बने को सब बनाता है। मैं बचपन से ये सब चीजें सुनते हुए आ रहा हूँ कि मेरा ये है वो है ऐसे करवा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खुद का मेहनत ही रंग लाता है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एकदम डिप्रेशन में चला गया था, मुझे लगा नहीं हम कर पाएंगे, कि लगातार 30-35 गाने फ्लॉप हुए। नमस्कार, मैं हूं रफ्तार और आप सब देख रहे हैं इंस्टा। तो कैसर मानी आप सब। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनका रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतना गाना वायरल हुआ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और जो आज हमारे शो में आए हुए हैं वो लड़कियों में जो है जीजा के नाम से प्रचलित है और लड़कों के लिए भाई के नाम से प्रचलित है। तो देर ना करते हुए चलिए हम आप सबसे मिलवाते हैं अपने प्रिय भाई, बड़े भाई और हमारे गुरु, द वन एंड ओनली विनय पांडे भैया। नमस्कार, आप सभी लोगों को इन स्टार क्लब पे देखने वाले हमारे सभी भाई लोग और सभी जो मुझे पसंद लोग करते हैं, बहुत प्राउड फील हो रहा है यूनिटी देख के। और यंगेस्टर में अगर यूनिटी हो तो कुछ भी पॉसिबल है। और मैं तो बचपन से लेके स्ट्रगल करते आ रहा हूँ, तो एक टीम का मजबूती और एक यूनिटी जो चीज़ें हैं वो मतलब समझ में चीज़ें आती हैं, मैं उन चीज़ों को फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ वो जर्नी आज भी चली रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए टीम होना बहुत ज़रूरी है और आपका टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आपके टीम के लिए एक बार क्लैपिंग करूँगा। और बहुत अच्छा टीम है और सच में सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलेगा और शुरुआत हो ही गया है। और आप इन स्टार क्लब, क्या ही बोला जाए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इतना प्यार मिल गया मुझे। इन स्टार क्लब के सारे मेंबरों की तरफ से आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दिल से शुक्रिया। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि आप इंडस्ट्री में कैसे आए, और इंडस्ट्री में आने से पहले क्या कभी आपने सोचा था कि मुझे सिंगिंग करना है या एक्टिंग करना है या किसी दूसरे फील्ड में जाना है? मेरे फैमिली में मेरे पापा वकील हैं, एडवोकेट हैं, और मेरे दादाजी सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी थे, रिटायर हो चुके हैं, और चाचा जी का बिजनेस है, तो ज्वाइंट फैमिली है। किसी का सपोर्ट रहा ही नहीं, मतलब सबको एक होता है ना कि मेंटेलिटी कि ये फील्ड नहीं हो पाएगा तुमसे, बहुत कंपटीशन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इधर उधर के लोग डीमोटिवेट कर देते थे। और उनको ये है ना कि रेलवे का डी ग्रुप का नौकरी करिए आप, लेकिन मतलब प्राइवेट चीज़ों पे भरोसा ही नहीं है। तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन को फेस किया हूँ। मेरे फैमिली में, मेरे सपोर्ट में मेरी मम्मी होती थी, लेकिन पापा का कहना ये था कि ये चीज़ें मतलब इस फील्ड से दूर होके तुमको इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करना है तुम करो। मेन बात, उनको मोटिवेट लोग नहीं करते थे, डीमोटिवेट कर देते थे, और उनको लगता था कि कंपटीशन इतना है और यही हुए हैं सलमान खान, इनको क्या होगा, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा। इनको लगता था कि मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब कोई भरोसा नहीं है, और गवर्नमेंट का क्या है कि डी ग्रुप में भी रहेंगे तो आपको लास्ट टाइम तक आपका साथ देगा। तो इन थोड़ा सा मेंटेलिटी क्या ही बोलें, लोगों के वजह से आ जाती हैं। स्कूल वगैरह में जब छोटे थे तो लोग ऐसे टीचर वगैरह की सबको अलग अलग, क्या करोगे, डांस करोगे, गाना गाओगे, परफॉर्मेंस मतलब एनुअल फंक्शन आने वाला है तो करते थे। मुझे सिंगिंग में लोग तारीफ़ करने लगे कि आपकी वॉइस अच्छी है, मैं गाने लगा। फिर मुझे अच्छे अच्छे जगह, जैसे गंगा महोत्सव होता है तो वहाँ पे भी मुझे
ऑडिशन के लिए भेजा गया तो सीखना तो था नहीं, ऐसे गा रहे थे तो ऑडिशन के लिए भी ऐसे जो भी थोड़ा मोड़ा सीखे थे गाने के लिए चले जाते थे, फिर फेलियर भी होते थे तो चलता रहा। फिर स्कूल से प्रोत्साहन मिलना स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें चलती रहीं और फिर अचानक से फैमिली वाले बिल्कुल ब्रेक लगा दिए हाँ कि मुझे नहीं करना है ऐसा। तो मैंने बोला कि एक एक चांस मुझे दे दीजिए, आप जो पढ़ाई बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं करूँगा। मुझे मतलब आजकल के टाइम में सीडी कैसेट का मेरे टाइम में टाइम जमाना था, सीडी कैसेट होता था तो नटराज प्रोडक्शन था जिसके प्रोडक्शन से बहुत सारी मूवी भी आई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पहले सीडी कैसेट का नटराज प्रोडक्शन था तो मैंने नटराज प्रोडक्शन के लिए मैंने सीडी एल्बम किया। मैं सेवेंथ क्लास में पढ़ता था, सेवेंथ क्लास में ही मतलब आपने हाँ जी नवरात्र का पहला एल्बम किया और वो नवरात्र का विदाई गाना था माता रानी का जो नौवे दिन विदाई होता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पॉन्स दिया। फिर मैंने लगातार सीडी कैसेट करना स्टार्ट किया। घर वाले मतलब एकदम से मतलब मोटिवेट नहीं करते थे, रात में क्या होता था कि सो जाता था सब लोग और फिर मुझे दिमाग में आता था कि नवरात्र है, नवरात्र का टाइम है और यहाँ पे सारनाथ या लोकलिटी में जो भी एरिया जैसे पहाड़ियाँ चौराहा हो गया यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम चल रहा है तो मैं वहाँ पे जाता तो एक गाना गाने का मुझे मौका मिलता। और मैं घर पे सब लोग सो गए हैं और मैं धीरे से चोरी से उठता था और फिर जाता था पैदल पैदल कि मतलब सुबह होते होते मतलब नींद खुलते खुलते हम आ जाएंगे ऐसा करके मतलब सब सो जाता था तो निकल के जाते थे और चोरी छुपे से। और कहीं मंदिर में पता चलता था कि यहाँ पे मंदिर पे आज जागरण है और वहाँ जाते थे, स्टार लोगों का प्रोग्राम होता था वहाँ पे जाके बोलते थे भैया एक गाना हम गाएंगे और लोग जैसे बच्चे समझ के बोलते थे हाँ हाँ गवाएंगे गवाएंगे बाबू गवाएंगे। लेकिन इमोशनल की बात ये है कि कितना भी हम अपना हाथ पैर जोड़ते थे, रिक्वेस्ट करते थे भैया एक गाना गवा दीजिए, मतलब ये होता था कि इन लोगों के बीच में हम गाना गाएंगे मुझे कितना अच्छा लगेगा। और जागरण होता था, भीड़ पूरा होता था, लोग गा रहे हैं इसके बाद ये गा लेंगे तो फिर आपका नंबर। और फिर बाद में पता चला कि अचानक से लास्ट गाना गा के पूरा माइक वाइक निकलने लगा, सब इंस्ट्रूमेंट पैक होने लगा, लोग लेके जाते थे और मुझे गाने का मौका ही नहीं मिलता था। और हम वहाँ से इमोशनल हो के रोते हुए घर पे आते थे कि अरे मतलब इतना मेरा टाइम ख़राब है कि हम रिक्वेस्ट करने पे भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है। ऊपर से गली में गांव में कुत्ता होता है जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि ऐसे कोई भी जाएगा रात में अकेले तो उन लोगों का एक बार तो मतलब मैं चोरी से गया भी था, फिर घर वालों से मार भी खाया था और फिर मुझे कुत्ता भी काट लिया था। लेकिन उसके बाद भी मतलब मेरा स्ट्रगल पीरियड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मतलब हार नहीं माने, करते रहे करते रहे। फिर पापा बोले कि ये इनके बस का नहीं है, इनको ये यहाँ मानेगा नहीं और ये रात में बताइए गायब हो जा रहे हैं, आज का टाइम ये है कुछ हो जाए ऐसे वैसे, तो लोग अपने पास सुलाने लगे, मेरा जो पर्सनल रूम था वो भी छीन लिया गया, हाँ नहीं जाएंगे ये चीज़ें चलने लगा। फिर फाइनली मुझे समझ में आ गया उन लोगों को कि मेरे से नहीं होगा मतलब नहीं मानेंगे, तो मुझे दिल्ली मुझे भेज दिए। फिर मैं मम्मी से रो गा के रिक्वेस्ट किया कि मुझे म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है और हम कुछ कर पाएँ या ना करें पर मुझे प्रोफेशनल हम रहेंगे तो कहीं अगर मौका मिलेगा तो हम उन चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो दिल्ली गए, वहाँ पापा बोले कि बिजनेस की पढ़ाई कर लो, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का भी है, होटल और ट्रांसपोर्ट का, रेस्टोरेंट का, तो पापा बोले कि बिजनेस करो, बिजनेस का पढ़ाई कर लो, जैसे बीबीए के बाद एमबीए कर लेंगे आप, तो कैट मैट का तैयारी करो, ये करो वो करो, मतलब पापा अपने हिसाब से बोलते रहे। हाँ तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मैं बीबीए भी करूँगा लेकिन मुझे एक कॉलेज है मारवा स्टूडियो जो कि अनिल कपूर के जीजा जी का है, जो बॉलीवुड के हमारे अनिल कपूर सर हैं उनके जीजा जी का कॉलेज है, एशियन स्कूल ऑफ फिल्म टेलीविज़न सेक्टर आफ्ट कॉलेज AFT,
तो वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया इन म्यूज़िक से जी। और वो भी पापा के चोरी से। मुझे ये सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी तक के भोजपुरी के ये ऐसे एक सिंगर हैं कि जो पढ़ाई करके और दिल्ली से AAFT से अनिल कपूर के जो जीजा जी का कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई हासिल करके उसके बाद से आके इन्होंने सिंगिंग किया है। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि लोग जो कहते हैं कि मानसिकता बन गई है कि भोजपुरी में जो लोग हैं सुबह उठते हैं और स्टूडियो चले जाते हैं कि हाँ मैं सिंगर हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप हमारे सामने देख रहे हैं जिनको, वो पूरी तरीके से पढ़ाई करके और जो अभी जो है वो उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की है। भैया दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे पहला गाना आपका कौन सा ऐसा था जिससे आपको खुद लगा कि ये गाना जो है अब मैं जो है थोड़ा सा चलने लगा है, मैं थोड़ा होने लगा हूँ, मेरा गाना बजने लगा है? मेरा मतलब मुझे ग्रोथ मिला टिकटॉक से। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि किसी के पास आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये था ना कि आप किसी भी, जैसे कोई होता है कि बोलते हैं कि मेरा उस डायरेक्टर से जान पहचान है, तो चलिए हम मिला देते हैं आपके लिए करेंगे, और उनसे मिलाने के बाद सिर्फ उनका कहना ही कहना होता था। आज का टाइम ऐसा है कि बने को सब बनाता है जी। लेकिन जो जीरो है उसको हीरो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, है ना? जो बना है ऑलरेडी उनको बनाने के लिए हजार ऑप्शन है, लेकिन जो स्ट्रगल पीरियड कर रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बचपन से ये सब चीज़ें सुनते हुए आ रहा हूँ कि मेरा ये है वो है, ऐसे करवा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खुद का मेहनत ही रंग लाता है, किसी का कहना कुछ नहीं होता है। मेरा टाइम आ जाएगा तो वो फिर सपोर्ट उनका मिलेगा, लेकिन ये कहिए कि आप मतलब दूसरों के वजह से तो नहीं करते हैं लोग, जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं उस लायक हूँ, कोई रिस्क नहीं ले सकता आपको लेके, आपके लिए कोई पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि पैसे एक एक रुपया भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। मैंने एक गाना गाया टिकटॉक पे, हो गई लो हिट गोरिया, जो कि फीमेल में अंतरा मैम थी, तो उनके साथ आया। और मतलब मेरा सीडी चल रहा था, और एल्बम के दुनिया में यूट्यूब का जब जमाना आया तो मेरा पहला गाना वही था। और मेरा किस्मत ऐसा था कि पहला गाना ही मेरा वायरल हो गया, TF कंपनी से था, 30 मिलियन के करीब अभी है, और पहला ही गाना इतना बड़ा ट्रेंड किया टिकटॉक पे कि जैसे हर पहला दूसरा वीडियो मेरे ही गाने का होता था, ट्रेंडिंग में आ गए थे। तो मेरे प्लेटफॉर्म मिलने का एक पहला जगह टिकटॉक है। और टिकटॉक जब बंद हुआ, बैन हुआ, तो मैं ऑनलाइन FIR भी किया था कि क्यों बंद हुआ। मैं तकलीफ में भी था, इमोशनल था, और मुझे लगा था कि मतलब मेरा तो सब कुछ यही था, और मैं तो यहाँ से, अब मैं कहीं जगह बना नहीं पाया था, ना मेरा इंस्टा पे कोई जगह बन पाया था, ना मेरा फेसबुक पे कोई जगह था, ना मेरा यूट्यूब पे कोई जगह था, तो बहुत इमोशनल था इन चीज़ों को लेके। तो और मेरा 2-3 गाने टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी मैं रेडी करके रखा था, तो इसके बाद ये तो टिकटॉक पे हो गई लू हिट गोरिया 2 भी रेडी किया था, लेकिन नहीं रिलीज़ किया, क्योंकि टिकटॉक जब बैन हो गया था तो कहाँ से सपोर्ट मिलता। फिर उसके बाद मैंने किया, लेकिन फिर से मेरा वहाँ से टिकटॉक बैन होने के बाद फिर से मेरा जर्नी वो फिर जीरो हो गया, जीरो से उठना हो गया। अब मैं फिर मेरा इधर स्टडी भी चल रहा था दिल्ली में, फिर पापा जो बोले थे वो भी पढ़ाई चल रहा था, बिजनेस का भी, दोनों साथ में कर रहे थे, और सारे गाने लाइन से फ्लॉप होने लगे, क्योंकि यूट्यूब पे वो ग्रोथ मिल ही नहीं पा रहा था, और बहुत परेशान हो गया था। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एकदम डिप्रेशन में चला गया था, मुझे लगा नहीं हम कर पाएंगे, अब रहन देते हैं, अब नहीं होगा हमसे। मतलब मैं खुद मोटिवेट दूसरों को करता था, और ऐसा सीन आ गया कि लगातार 30-35 गाने फ्लॉप हुए, 30-35 गाने फ्लॉप हो गए आपके सारे यूट्यूब के, और यूट्यूब का ही टाइम आ गया था, और फिर सारे कोई सपोर्ट में भी नहीं था, सारे अपने पैसे से करना होता था, तो फैमिली वाले मम्मी पैसा चोरी चोरी से, कितना इंसान पैसा देंगे, है ना? और पापा जब भी देते थे तो मेंटेनेंस के लिए देते थे,
फिर धीरे धीरे पापा समझ गए थे कि भाई इनका नहीं मानेंगे, और सबको एक डर होता है कि मेरा लड़का कुछ ऐसा गलत ना करे, तो पापा भी सपोर्ट में धीरे 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 हो चुके थे, पापा का भी कन्विंस हो गए थे और पापा का प्यार मिलने लगा था। फिर पापा भी काफ़ी सपोर्ट किए फाइनेंशियली कि ठीक है कोई बात नहीं, करो करो करो। फिर ऐसे करते रहे, फिर अचानक से लाइफ में ऐसा मोड़ आया। मेरा ये था कि मतलब मैं वेस्टर्न चीज़ें करता था, मैं साफ सुथरा चीज़ें करता था, कभी मेरे आपके गाने में वल्गैरिटी आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, ना ही वीडियो में मिलेगा। इस सब के बारे में हम आपसे ऑडियंस के पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से थैंक्स बोलना चाहेंगे कि भैया का आप एक भी गाना उठा के देख लीजिए, एक भी गाना में वल्गैरिटी नहीं है। तो अगर कोई कहता है, ये भी बात लोग कहते हैं कि भोजपुरी जो है पूरा खराब हो चुका है, तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया। जैसे अगर सिंगर इंडस्ट्री में नहीं, मुझे भी ये सुनने को मिला था कि भोजपुरी में अगर आप कदम रखे हैं और आपका माटी ही यही है, तो अगर आप यहाँ के चीज़ों को वल्गैरिटी नहीं प्रेजेंट करेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको भी ये मिला था कि आपको डीमोटिवेट करने वाले तो हजार लोग हैं ना, मुझे राइटर तक ज्ञान देते हैं लोग, राइटर का जगह गुरु वाला होता है और अलग सम्मान है मेरा, लेकिन उनका भी ज्ञान यही होता है कि बहुत तगड़ा गाना लिखे हैं और ये पक्का मतलब पहले से ही वो डिसीजन बता देंगे कि ये 500 मिलियन है। गाना सुनने के बाद मतलब ऐसा शब्द होता था कि मतलब उनको बोला जाता था कि भैया आप 500 मिलियन ठीक है, लेकिन इसका चार्ज ले लीजिए, पर प्रेशर मत बनाइए हम पे, हम नहीं कर पाएंगे, माफ़ करिए। और मैं इन चीज़ों पे मतलब मुझे ऐसा थोड़ा डर लगता था कि भाई जो लोग परोसते हैं और जो लोग जैसे होता ना कि एक्सेप्ट करते हैं वही लोग परोसते हैं, तो आदत पड़ा है लोगों का सबका कि मतलब उसी चीज़ों का टेस्ट लेना है ना, तो मुझे नया चीज़ करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए बहुत कठिन था, मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकता हूँ, कर पाऊँगा, लेकिन उम्मीद था कि कभी ना कभी तो कुछ होगा। तो बुलेट पे जीजा प्रूफ कर दिया कि एक साफ सुथरा गाना गा के भी इंसान अपने आप को स्टैंड कर सकता है। मतलब अब मेरा गाना मुझे गवर्नमेंट के किसी स्टेज पे भी जाने में मुझे अंदर से गिल्टी नहीं फील होता, मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि मैं आज किसी मंत्री के स्टेज पे आया हूँ, किसी गवर्नमेंट स्टेज पे आया हूँ जिसको राष्ट्रीय मंच बोला जाता है, उस स्टेज पे मुझे सम्मान मिलता है। तो मैं मतलब इतना किस्मत वाला, और मैं डिसीजन को अपने शुक्रिया बोलता हूँ कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था कि आज अगर ये साफ सुथरा गाना नहीं होता तो मुझे स्टेज मिलते, लेकिन ये स्टेज नहीं मिलता। अच्छा, ये जो आपका गाना है इतना सबसे ज़्यादा अभी तक का हिट भैया का गाना बुलेट पे जीजा है, और मतलब इतने लोग जिनको भोजपुरी उतना समझ में भी नहीं आता है, मैंने उनको भी देखा है कि वो भी लोग इस गाने पे जो है वो डांस करते हैं, बजाते हैं। सबसे पहला कि ये गाना एक नवरात्र का गाना है और साफ सुथरा बिना वल्गैरिटी का है, वेस्टर्न है जो आज के टाइम में चलता है, मतलब ये मेरा गाना प्रूव कर दिया है कि कोई लड़की अगर कोई बहन है अपने चाचा को भी जीजा बना के डांस कर ले रही है, क्योंकि शब्द उसमें गंदा नहीं है, अपने पापा के साथ जीजा बना के डांस कर ले रही है, तो वो चीज़ें मतलब मुझे इतना खुशी देता है। और वर्ल्ड के लिस्ट में ट्रेंडिंग में गाना लगातार 6 मंथ तक यूट्यूब पे था, ग्लोबल में ट्रेंडिंग में था, इंडिया में तो गाने लगभग ट्रेंडिंग में जाते हैं पर वर्ल्ड के लिस्ट में बहुत ही रेयर केस में जाते हैं, और कभी कभी नवरात्र आता है तो रिपीट भी हो जाता है वो ट्रेंडिंग। तो कहीं ना कहीं प्राउड होना चाहिए हम सभी, हमारे भोजपुरी सुनने वाले यूपी बिहार झारखंड, हमारे जितने भी ऑडियंस है जिसका जिसका प्यार मुझे मिलता है, प्राउड होना चाहिए कि एक भोजपुरी गाने पे वर्ल्ड चैम्पियन द ग्रेट खली सर ने वीडियो बनाया, और सीरियल एक्ट्रेस दिया बाती सीरियल एक्ट्रेस दीपिका जी ने बनाया, बॉबी कटारिया सर ने बनाया, इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब एक लेवल वाले लोग, मतलब ये चिकन लेग पीस जिसको सारे सेलिब्रिटी लोग बुलाते हैं अपने घर, इन्विटेशन देते हैं डिनर के लिए,
वो पर्सनली मुझसे मिलने के लिए बनारस आए कि मैं आपके गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं सच में मतलब मुंबई से चल के आपके लिए सिर्फ आया। तो ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे भोजपुरी समाज के लिए प्राउड फील होना चाहिए कि जो बॉलीवुड के लोग जिस जो निग्लेक्ट करते हैं, नज़रिया थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उन लोगों का, वो लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम सब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और भोजपुरी चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे। आज जो कि लोग एक जगह ढूंढते थे कि शूटिंग कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं, बजट कम है, और आज लंदन में शूटिंग हो रहा है, अवार्ड शो दुबई में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, तो हम सबके लिए प्राउड वाली बात है ये। जाहिर सी बात है। और भैया, इस गाने का जो बुलेट पे जीजा है, इस गाने पे सक्सेस की स्टोरी है तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इतना प्रचलित हो गया, इतना सब वायरल हो रहा है, वर्ल्ड में बज रहा है। हम ये जानना चाहते हैं भैया कि इस गाने का जो पीछे का है, किसका किसका हाथ रहा इसमें, कौन कौन जो है पीछे का, मतलब बिहाइंड द सीन हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ इस गाने से पहले। इस गाने में पूरे टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा, मतलब बिना टेक्निकल टीम का मैं अपने आप के चीज़ों को कभी भी उस लेवल का नहीं दिखा सकते हैं। टेक्निकल टीम होना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचूं कि मैं गाना गा दूं और मैं वायरल हो जाऊं तो मेरा किस्मत रानू मंडल जैसा नहीं है, है ना। मेरा किस्मत ऐसा नहीं है कि मुझे कोई उठा लेगा। एक राइटर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर, एक कंपोज़र, एक रिकॉर्डिस्ट, एक वीडियो डायरेक्टर, एक डीओपी, एडिटर, मतलब पीछे जितना लोग होते हैं ना गाने को यूट्यूब पे चढ़ाने वाले या हर एक प्लेटफॉर्म पे डालने वाले, सबका इतना बड़ा मतलब सपोर्ट होता है। एक गाना अगर वायरल हो जाता है तो सारा क्रेडिट अगर देखा जाए तो एक सिंगर ही उठा के लेके जाता है। लेकिन मेरा मानना है ना कि मैं अगर उन चीज़ों से 10 रुपया भी कमाऊँ ना, तो मैं मतलब मेरा मतलब ऐसा पर्सनली सोच है कि मैं 10 रुपया में से 8 रुपया तो मतलब उन टेक्निकल टीम को ही, ऐसा नहीं रिलेशन होना चाहिए कि आप मुझे गाना दिए, आप राइटर हैं, आप मुझे गाना दे दिए और मैं आपसे गाना ले लिया, तो मेरा रिश्ता उतना ही है कि आपको पेमेंट कर दिया, ख़त्म। मेरा वैसा रिलेशन नहीं है कि एक बना दिया गया है कि सगुन, लेकिन ये सिर्फ बस एक रीति रिवाज है, लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एक कहा जाए रियल, तो राइटर का दाम पैसे से कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो जो चीज़ लिखते हैं वो अनमोल होता है। और भैया, आपका मैंने एक हिंदी गाना सुना, जब तक जिंदा रहेगा ये तेरा भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या भोजपुरी से रवि किशन भैया के जैसे आप हिंदी में भी शिफ्ट होना चाहते हैं? मेरा स्टार्टिंग से ही एजुकेशन भी भाई मेरा बॉलीवुड से ही हुआ है। हाँ। और मैं हिंदी गाना भी गाता रहता हूँ। अभी वीनस से मेरा एक गाना आया था, बहुत अच्छा गाना था, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर रमन कक्कर सर थे और राइटर उनकी प्याली दास थी। तो मेरा सपोर्ट उन लोग से है अच्छा वाला, तो बीच बीच में मैं करता रहता हूँ कि मतलब कोई इस किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा फ्लेवर बस एक चीज़ है, अपना जो अंदर का टैलेंट है उसको मरने नहीं देना है। तो इसकी वजह से मैं देसी, वेस्टर्न, भजन, हिंदी, मतलब सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। देखिए, सीखना ख़त्म नहीं होता, आजीवन इंसान सीखता ही रहता है। और मेरा तो लाइफ में कभी, क्योंकि जुनून है सीखने का, तो ख़त्म तो होगा नहीं। जी भैया, आप हमारे यंगेस्ट जो भाई हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी, इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनके लिए आप एक रोल मॉडल भी हैं, तो आप उनको इस लाइन में आने के लिए, हाँ जी, जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा कि कंपटीशन बहुत है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच है, मैं जो अभी तक फील कर पाया हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि जब आप कुछ नहीं हैं तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको पर्सनली एक बार प्रूफ करना होगा कि मैं उस लायक हूँ। आपके अंदर मतलब जो चीज़ें चला आ रहा है वो चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका नहीं हो सकता कुछ। आपको थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा ना। अगर आप मेरा ही मेरे चीज़ों को, मान लीजिए मैं कुछ किया, अब जैसे मेरा गाने में डायलॉग बहुत फेमस है, मतलब जो बीच बीच में मैं कुछ कुछ बोलता रहता हूँ, वो चीज़ें मतलब किसी कंपनी से कॉल आता है तो बोलते हैं कि भैया अपना पेमेंट आप बढ़ा के लीजिएगा पर डायलॉग प्रॉपर तरीके से दीजिएगा।
उसको भरिएगा डायलॉग से। तो मेरा ये खुद का है, मैं किसी का कॉपी नहीं किया हूँ, और मेरे चीज़ों को अगर कोई कॉपी करके करता है तो इंसान उनको क्यों सुनना पसंद करेगा? वो तो भाई बोलेंगे कि हम ओरिजिनल चीज़ों को ना सुने। तो हमेशा सीखना सबसे चाहिए, लेकिन करना अपना एक नया हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। हमारे फील्ड में नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, लेकिन ये न कहिए कि मेहनत नहीं है। सिर्फ हम लोग को देखने से लगता है कि अरे बहुत वीडियो में दिखते हैं एकदम चमकते धमकते, तो ये सब चीज़ें सिर्फ चमकाया जाता है, लेकिन दिल से पूछिए ना तो बहुत सारा मेहनत, बहुत चीज़ों को फेस करके, बहुत सारी चीज़ों को और पूरे टेक्निकल टीम को फेस करना होता है। सबसे पहले अगर आप कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने टेक्निकल टीम का इज्जत करिए, और उनका इज्जत करेंगे तो आपको हमेशा वो सपोर्ट करेंगे, और आपके अंदर नहीं भी कुछ रहेगा तो वो ला देंगे, और कहीं ना कहीं से आप अपने आप में सक्सेस पा सकते हैं। यहाँ पे करने वालों की कमी है, सुनने वालों की कमी नहीं है। सुनने के लिए सब तैयार है, आप दीजिए तो सही, तो करने के लिए बहुत कम है। मतलब आप हमेशा नया प्रेजेंट करेंगे, क्या आपको लगता है कि आपको सुनना लोग बंद कर देंगे? अगर हम ये सोच लें कि हमारा एक गाना बज गया, अब मैं अपना अच्छा बेस्ट नया ना करूं, तो कैसे कोई सुनेगा? मेरा 10 गाने का मेरा टारगेट होता है, लेकिन ये देखिए, मैं ये सोच के चलता हूं कि मेरा 10 गाना है और एक गाना मेरा कोई ना कोई तो जाएगा, लेकिन माता रानी का कृपा देखिए कि 5 गाने में से ही एक गाना बच जाता है। मेरा हर महीने कोई ना कोई गाने रील पे ट्रेंडिंग में होते हैं। तो आपके इंस्टाग्राम पे हमने देखा है कि आप जो है बहुत सारे जो क्रिएटर हैं जो अच्छा सा वीडियोस बनाते हैं, भैया उनको बिना सोचे हुए कि ये इनको क्यों फॉलो करे, क्यों फॉलो बैक करे, भैया उनको फॉलो बैक दे देते हैं। अब मेरा ये है ना कि जैसे आजकल चलता है कि लोग फैन फॉलोइंग जिसका है, फॉलो बैक पाने के लिए लोग फॉलो करते हैं। सम्मान ये होना चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे आप उम्मीद मत करिए, आप अपना प्रेजेंट आप अच्छा करिए, उनको पता चलेगा तो वो खुद आपके लिए अच्छा करने लगेंगे। आप अपना प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखिए ना, तो मतलब स्वार्थ टाइप का नहीं होना चाहिए। चीज़ें हैं, प्यार मोहब्बत है, और उन्हीं लोग के वजह से हम हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं अकेले गाना गा के और अकेले सुन लूँ तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। मेन जो भी हैं ऑडियंस ही हैं, और ऑडियंस खुश हैं। छोटे से चीज़ों से नोटिस करता हूँ कि छोटे से छोटे चीज़ों को पकड़ता हूँ कि इनको खुशी किस में है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी खुशी को पूरा करें। मैं पूरे बनारस का दुख नहीं दूर कर सकते, उस लायक नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने एरिया का 10 लोगों का भी दुख नहीं दूर कर सकता?